अस्सलामुअलैकुम जी, उम्मीद करता हूँ जी आप सब खैरियत से होंगे। बहुत देर के बाद मुलाकात हो रही है आप लोगों के साथ। मोमेंट ऑफ ट्रूथ आ गया है। सुजुकी से हमें कॉल आई है जी, आगे अपनी गाड़ी ले जाएं। तो अभी हम गाड़ी लेने जाते हैं, तो आपको दिखाते हैं क्या प्रोसेस है, क्या क्या चेक करना है। हमारे साथ चले, गाड़ी लेके आते हैं। नहीं जी, गाड़ी इन्होंने हमें दी तो बहुत जलील करने के बाद है। फरवरी 28 को हमने पेमेंट की थी, 2 माह का इन्होंने टाइम बोला था कि गाड़ी दे देंगे, पर गाड़ी हमें मिल रही है 5 माह से भी ज़्यादा लेट। नहीं जी, जब भी आप गाड़ी लेने जाएं तो गाड़ी को थोरोली चेक करें, फिज़िकली उसको चेक करें, और चेक करने के बाद, तसल्ली करने के बाद गाड़ी फिर ले कर आएँ। पाकिस्तानी गाड़ी है, इसमें कोई ना कोई रौला आपको लाजमी मिलेगा, पेंट क्वालिटी के इश्यूज़ मिलेंगे। गाड़ी में बहुत सारे इश्यूज़ मिलते हैं, ये लोग ऐसे ही चिपका देते हैं। तो गाड़ी लेते हुए बड़ी एहतियात करनी चाहिए और डिटेल से गाड़ी चेक करके फिर लानी चाहिए। लास्ट टाइम ये हुआ था कि मेरे कज़न ने गाड़ी बाय की थी इस्लामाबाद से, स्विफ्ट ब्लू कलर की, जिसकी मैंने पोस्ट भी लगाई थी। तो उसका बोनट उन्होंने शावर दे दिया था, उस गाड़ी का ना, उसका बोनट शावर था। तो 1 महीने बाद उसको पता चल गया, तो बड़ा रोला छोला पड़ा और सुजुकी ने खुद ही वो गाड़ी वापस रख ली 36.5 लाख रुपए में। लें जी, सुजुकी बुर्ज मोटर के नार रोड पे पहुंच गए हैं। अभी देखते हैं गाड़ी किधर खड़ी है। ये गाड़ी रेडी खड़ी है वाश वगैरह होके, तो हमें लगता है कि हमारी गाड़ी यही है, तो बाकी कोई भी नहीं है। हाँ जी, हमारी गाड़ी यही है, हमने पूछा है तो उन्होंने कहा ये आपकी गाड़ी ही खड़ी है, इसको हम रेडी शेडी करके देते हैं। तो मैं तो जी ना आए ना बाए सबसे पहले गाड़ी को देखने लग गया, तसल्ली करने लग गया, कहीं पे कोई डेंट, स्क्रैच, कोई चीज़ रीपेंट, कोई इशू, कोई पेंट क्वालिटी का इशू। पेंट क्वालिटी तो वैसे बहुत ही थकी हुई है, पेंट क्वालिटी माठी है इसकी, मैं सही बता रहा हूँ आपको। पर अब फिज़िकली इसको चेक कर रहा हूँ, इसमें कोई मसला हो, कोई डेंट, खराश, कोई रीपेंट, कोई चिप ऑफ, कोई मसला, कोई मसाइल हो, तो बंदा इधर ही उसकी ना कोई रोला छोला डाल ले। क्योंकि वंस आप गाड़ी घर ले गए तो गाड़ी आपकी, लाइटों को आपने चेक करना है जी, कोई लाइटों में कोई क्रैक ना हो, कोई हल्की फुल्की दरार ना होगी, हल्की फुल्की टच ना हो कहीं। फिर भी जी तसल्ली करना अपना राइट बनता है। ये देखें, एक निशान सा पकड़ा गया है, पर ये कोई ग्रीस सी लगी हुई थी। तो ऐसे ही ज़रा डीपली बंदा अगर गाड़ी को देखता है ना, तो उसको फिर समझ आ जाती है कि कहीं कोई इशू वगैरह हो तो वो नज़र आ जाए। तो माशाल्लाह साफ़ सुथरी है गाड़ी, लाइट्स भी ओके हैं, अलायरम भी अच्छे लगे हुए हैं, टायर बस इसके गुजारा ही हैं, मैंने चेक किए चला के ना। तो हैं तो ब्रिजस्टोन के इंपोर्टेड, पर 100-100 ही हैं, हर बंदा इसकी कंप्लेन करता है। तो माशाल्लाह जी गाड़ी वैसे साफ़ सुथरी थी, कोई इशू नहीं था गाड़ी में, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक थी। तो फिर भी मैं एक दफ़ा ना इसको डीपली ना अपनी तसल्ली की है, तो फिर मैंने गाड़ी को ओके किया है कि हाँ इसमें कोई मसला नहीं है, अब हम इसको मतलब लेके जा सकते हैं। लाइट्स इसकी माशाल्लाह से बहुत प्यारी हैं। सबसे ज़्यादा जो मुझे चीज़ चुभती है ना, वो ये स्टिकर है, ये बुर्ज मोटर का स्टिकर जो इन्होंने लगा दिया है, और ये वाला स्टिकर, ये तो नैश है ना, उतरता ही नहीं है। बड़ी यार ये मेहनत करता है। यार ये मैं टिप दे रहा हूँ आप लोगों को, जैसे ही गाड़ी लेके आओ इसको आते ही उतार लो, हर गाड़ी पे लगे होते हैं ये, अभी अभी उतर जाएंगे तो ठीक है, कच्चे होते हैं, बस हफ्ता 10 दिन पुरानी होगी ना, फिर ये क़यामत तक नहीं उतरते, इतने पक्के हो जाते हैं। तो इनको टाइमली बंदा रिमूव कर ले, मुझे तो यार बहुत बुरे लगते हैं। ये साफ़ हो जाएगा अभी सारा। लें जी, गाड़ी पे प्लेटफॉर के गत्ते छते लगा के दे रहे हैं, बाकी इन्होंने मैट वगैरह बिछा के देने हैं, और उसके बाद इसके साथ वही पंक्चर किट आती है वो चेक करवाते हैं, और इसके साथ स्टपनी वगैरह तो नहीं आती, तो ये चीज़ें बस चेक करवाते हैं। तो ये भी चेक करके पूरी करके वहाँ से लेके आए, एयर प्रेशर पम्प होता है, रिपेयर किट होती है, सारा सिस्टम देख लें। लें जी, इंजन भी उन्होंने चेक करा दिया है कि चेक कर लें, इस तरह का है।
28 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है जी जब हमारे पास आई है। ये 28 किलोमीटर चला के लाते हैं। लें जी, शोरूम से 0 मीटर गाड़ी ले कर निकलने की बिना एक अपनी फीलिंग है, अलग ही फीलिंग। आ हा, अल्हम्दुलिल्लाह जी, गाड़ी शोरूम से ले कर निकल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 26 किलोमीटर चली हुई है जी। और आया माशाल्लाह सीट बेल्ट की वार्निंग आ गई है साथ ही। क्या ड्राइव है यार, क्या प्लेजर है, वाह माशाल्लाह, बहुत मज़ा आ रहा है। दिल गार्डन गार्डन सा हो रही है। आय हाय हाय हाय, इसी भी बहुत चिल है। नहीं जी माशाल्लाह, तो गाड़ी लेके निकले हैं। हाय, सीट बेल्ट की वार्निंग चल रही है, पीछे भैया आ रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है माशाल्लाह। तो इसका ना अल्लाह आपका भला करे, पेट्रोल इसमें डलवाते हैं तो फिर आपको बाकी अपडेट देते हैं घर जा आगे। गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई है। ले जी पहला फ्यूल जा रहा है इसमें। ओए होए होए, ओए फोकस कर ले, शुरू हो गए, देखते हैं कितना का डलता है। हमने कहा तरह इसमें फ्यूल शूल डलवा लें, ज़रा झूले झूले लेने हैं। ओ हो, क्लाइमेट कंट्रोल माशाल्लाह माशाल्लाह, चेक करते हैं इसको जाके ना क्या सूरत हाल है। बस घर पहुँच जाए। लें जी बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह हम पहुँच गए हैं अपनी कॉलोनी में, जा रहे हैं घर। जाके अम्मी को देते हैं सरप्राइज़ और उनको देते हैं झूला। और लें जी जब भी गाड़ी लें ध्यान से चेक करके लें, क्योंकि ये इसमें भी थोड़े थोड़े इश्यूज़ हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा घर जाके अगली वीडियोस में। वो पेंट क्वालिटी के काफ़ी इश्यूज़ हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। तो फिर हमने कहा बस ठीक है, इसको एक्सेप्ट करो, अब इधर क्या नखरे करने हैं, क्योंकि पहले भी आल्टो ली थी उसमें भी यही मसले मसाइल थे, इसमें भी ऐसे ही हैं। तो हमने कहा चलो कोई नहीं, चलता है, ये पाकिस्तान है। तो बाकी जी इस पर डिटेल वीडियो इंशाल्लाह ताला आएंगी मज़ीद। तो इसकी ड्राइव, फ्यूल एवरेज, सस्पेंशन, एसी, हर चीज़ हम इंशाल्लाह खोल के फिट कर देंगे एक दफ़ा ना। तो इसको थॉरली हम इंशाल्लाह ताला एक्सप्लोर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ जी आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफिज़। अब चैनल पर वीडियोज आया करेंगी, अब ज़रा कॉन्टेंट आ गया, पहले ज़रा कॉन्टेंट इधर उधर हो गया था, प्लस अब मैं भी ज़रा बिजी था। ले जी ठीक है जी, फिर अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। घर पहुँच गए हैं।